अभिनेता संजय दत्त अपने पड़ोसियों को सोने चंद से सोने नहीं दे रहे हैं, ऐसा हमारा नहीं बल्कि उनके पड़ोसियों का कहना है। मुंबई के पॉली हिल में रहने वाले लोगों ने पुलिस में शिकायत की है कि संजय दत्त रात को तेज आवाज में गाने बजाकर पार्टी करते हैं। इसके बाद पुलिस दो बार उनके घर आई और कम आवाज में गाने बजाने की हिदायत देकर चली गई। बॉलीवुड में संजय दत्त पार्टी करने के लिए मशहूर हैं। संजू बाबा का रात में पार्टी करना उनके घर के पास रहने वाले लोगों के लिए चिंता का सबब बन गया है। पॉली हिल रेजिडेंट्स एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर अमिताभ शुक्ला ने एक अखबार से बात करते हुए कहा, यह 14 जनवरी की बात है। रात को 11:30 बजे के आसपास उन्होंने संजय दत्त ने अपनी छत पर गाना बजाना शुरू कर दिया। आवाज इतनी तेज थी कि हम सुन नहीं पा रहे थे। हमने जब कंट्रोल रूम में इसकी शिकायत की तो एक महिला पुलिस ने फोन पर शिकायत दर्ज की, लेकिन कुछ हुआ नहीं। शुक्ला ने बताया कि गाने की आज कम न होने पर उन्होंने फिर से रात 1:30 पर फोन किया। फिर उसी महिला पुलिस ने फोन उठाया और पुलिस थाने में शिकायत भेजी। शुक्ला ने कहा, मैंने 15 मिनट तक इंतजार किया और फिर पुलिस स्टेशन में कॉल किया। उन्होंने हमसे आवाज कम कराने का वादा किया और कुछ देर में म्यूजिक बंद हुआ। पॉली हिल में रहने वाले लोग वहां के वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिंतित हैं क्योंकि उन्हें तेज आवाज से ज्यादा दिक्कत होती है।